एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दे रहे होंगे गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं फुल नहावा के पूजा पाठ कर चुकी हूँ और रेडी हूँ। और आज है ईद उल जुहा, आई थिंक बकरीद बोलते हैं, तो आप सभी को बकरीद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है सबकी छुट्टी, तो सब है घर पे, आनंद शानवी सभी लोग घर पे हैं। तो अभी तो वैसा कुछ प्लान नहीं है, आगे आपको ब्लॉग में बनी रही है, आपको पता चलेगा। तो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस अभी मैं आराम से बैठी हुई थी तो सोचा ब्लॉग की भी शुरुआत करूं और आप सभी के साथ शेयर करूं। तो अभी मेरे पास फिलहाल कोई काम नहीं है, तो अभी मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद आपको बताती हूँ। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 11:30 और हम निकल चुके हैं घूमने फिरने, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो अभी मैं हूँ कार में और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं मॉल, ब्रुकफील्ड मॉल, जिसका वीडियो आपने बहुत बार दिखाया है, बट हम जरूर आपको दिखाएंगे कि हम क्या शॉपिंग करते हैं या क्या कुछ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं हूँ रास्ते में। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मॉल पहुँच गए हैं और मॉल पहुँच के हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है और यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि हम कौन से शोरूम में पहले जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो लाइफस्टाइल में पहले चलते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था और हमारे लिए इजी भी होगा कि हम नीचे से देखते हुए जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉल की रौनक की क्या ही बात बताऊँ। आप किसी दिन भी चले जाओ, दिन में चले जाओ, शाम में चले जाओ, भीड़ उतनी ही ज़्यादा मिलती है। सो गाइस, शॉपिंग करने से पहले हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि चलो अपना पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्डर किए हैं वेज पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, एंड दिस गाइस, मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और शानवी को गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं फूड कोर्ट भी बिल्कुल फुल था, जबकि ये दिन का टाइम था, 1:30 बज रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब एक भी चेयर खाली नहीं था गाइस, एक भी नहीं। लंच फिनिश करने के बाद गाइज़ मैं गई थी साड़ी के शोरूम में, पर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वही रेगुलर साड़ियाँ थी जो कि मेरे पास ऑलरेडी थी, मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉपिंग के साथ साथ शानवी की भी मस्ती, और हमने थोड़े बहुत ग्रॉसरी आइटम्स भी ले लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शानवी अपनी ही मस्ती कर रही है। और ये पूरा मॉल है, आप मैं कई बार अपने व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा। तो कैसी रही शॉपिंग आज की? कुछ अनएक्सपेक्टेड तो खरीदाया है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट अभी जो लेने आए थे वो नहीं मिला है, मुझे पसंद नहीं आया, तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, शायद वहाँ मुझे पसंद आ जाए। चल, तुमको कैसा लग रहा है आनंद, ये बताओ लेडीज शॉपिंग में कितना मज़ा आ रहा है, पॉकेट ढीला करते हुए अपना? नहीं, मज़ा तो नहीं आ रहा है, बट क्या करें, करना पड़ता है, शादी की हो तो करना पड़ेगा। सो गाइज, वहाँ के बाद हम आ गए द चेन्नई सिल्क। यहाँ पे चेन्नई सिल्क के बहुत सारे आउटलेट्स हैं और बहुत ही फेमस है यहाँ कोयम्बटूर में। तो आप देख सकते हैं ये है चेन्नई सिल्क की कार पार्किंग एरिया, और ये पूरा 5 फ्लोर की कार पार्किंग है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी कार को पार्क किया जा रहा है, और ये बड़ा ही यूनिक वे मुझे लगा, और मैंने ऐसी पार्किंग कहीं नहीं देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं शानवी भी बहुत एक्साइटेड है ये पार्किंग देख के, बट ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छी पार्किंग थी गाइज। यहाँ पे आप कई एक गाड़ियों को बड़े आराम से अच्छे से पार्क कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हम अंदर आ गए चेन्नई सिल्क में, पार्किंग के बिल्कुल बगल में ही शोरूम था, तो हम आ गए। और हम लिफ्ट से जा रहे हैं 1st फ्लोर पर, क्योंकि जो साड़ियों का जो सेक्शन था ना, वो 1st फ्लोर पर था। ऐसे तो हर फ्लोर पर साड़ियाँ हैं, पर जैसी हमें चाहिए थी वो 1st फ्लोर पर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कुछ पसंद आया है, तो मैं वहाँ यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि शीशा लगा हुआ है, आप ट्राई करके देख सकते हो, और वो एक हेल्पर भी देती हैं जो कि हमें ट्राई करने में हेल्प करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, और आगे देख सकते हैं आप, देखेंगे कि मुझे मैंने कौन सी साड़ी ली, आगे मैं ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये शानवी की मस्ती है एज़ यूज़ुअल, वो कहीं जाएगी उसकी मस्ती चलती रहती है। मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ, शानवी अपनी मस्ती ही कर रही है। और यहाँ पे ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ये देख सकते हैं ये कलर मुझ पर बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था गाइज़। और मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ, और पीछे लोग वेट कर रहे थे कि वो
अपनी टर्न का, और ताकि वो भी साड़ी को अच्छे से ट्राई कर सके। ट्राई करके लेने से एक चीज़ अच्छा होता है कि हमें रिटर्न करने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि अरे ये नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे हील्स पहनने के बाद भी चेक कर रही थी, कई बार साड़ियों की लेंथ कम होती है और हील्स पहनने पर वो थोड़ी सी छोटी लगती है। उसके बाद गए, शॉपिंग हो गया और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कार को लेने। और इन लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है ना, आपकी जो भी गाड़ी है उसका आप अपना नंबर डालोगे गाड़ी का और ऑटोमेटिक वो गाड़ी आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आजू बाजू की जितनी गाड़ियाँ हैं वो साइड हो रही हैं और जिस गाड़ी को आना है वो अपना वे बना रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने अच्छे से स्लाइड होके घिसक रही है। बहुत ही अच्छा सिस्टम था गाइज, और बहुत ही यूनिक सिस्टम था, मैंने आज तक ये सिस्टम नहीं देखा था, तो मुझे बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट से हमारी गाड़ी नीचे की ओर आ रही है। और बस यहाँ पे ना एक मीटर सा लगा हुआ था जिसमें उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर डाला। सो गाइस, हम आ गए हैं घर और अभी बज रहे शाम के 4:30 और मैंने की आज बड़ी मजे से अपनी शॉपिंग। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। सो मैं यहाँ गई थी चेन्नई सिल्क में और वहां से मैंने ली है अपने लिए ये साड़ी, जो कि मैं पहनूंगी तीज पे। आई नो अभी तीज आने वाली है और अभी उसमें 1 महीने बाकी है, जुलाई फुल बचा हुआ है, अगस्त पे तीज है, बट मेरे हस्बैंड को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी ले लेते हैं और इसका जो ब्लाउज वगैरह है उसको स्टिच करा लेंगे, क्योंकि आनंद को ऑफिस के काम से कभी भी जाना पड़ सकता है और कितने दिन के लिए जाना है ये कुछ कह नहीं सकते, तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और तीज में तो सभी को पता है कि नई साड़ियां ही पहनते हैं, नई साड़ी सूट ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मेरा मन था कि मैं नई साड़ी पहनूं, वैसे मैं तीज पे सूट भी पहनती हूँ, तो मैं आ गई थी चेन्नई सिल्क। और गाइस आप देख सकते हैं इनका पैकेजिंग और ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है द चेन्नई सिल्क। गाइस ये है मेरी साड़ी, आप देख सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगी है, बहुत ज्यादा प्रीटी लगी है। और इसका होल लुक तो आप तीज वाले दिन ही देखेंगे, अभी तो मैं पहन नहीं सकती बट इसका लुक मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ है, ये है साड़ी और ये है इसका ब्लाउज। और गाइस इस साड़ी की ना एक खास बात है कि इस साड़ी में दो दो ब्लाउज हैं, आप एक ये भी ब्लाउज स्टिच करा सकते हो, हैवी वर्क ब्लाउज है और ये एक सिंपल प्लेन ब्लाउज है, तो आप ये दोनों पहन सकते हो, आपकी जो मर्जी है। तो मुझे ये साड़ी एक नजर में पसंद आई गाइस, हमने 2-3 शॉप्स देखे बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि ये साउथ है तो यहाँ पे सिल्क फैब्रिक बहुत ज्यादा मिलता है और जो जैसा हम भी नॉर्थ इंडियंस पहनते हैं जैसे सिफॉन हो गया, लाइट वेट हो गया, वैसा नहीं मिलता है, हमने 2-3 शॉप्स देखी। फिर उसके बाद मुझे ये साड़ी पसंद आई है, इसका आप फुल लुक तीज वाले दिन ही देखोगे जब इसका ब्लाउज वगैरह स्टिच हो जाएगा, बट आप ऊपर से देख सकते हो ये इसका पल्लू और इसमें ये स्टोन का वर्क किया हुआ है जो कि इसको काफी अट्रैक्टिव बना रहा है। और यहाँ पे है इसका ये डिजाइन, ये फुल ऐसा ही लुक आएगा जैसे इसने पहन रखा है। सो गाइज आई एम वेरी हैप्पी टूडे, क्योंकि मैं कपड़े लेने के मामले में बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हूँ, मुझे अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं लूंगी, छोड़ दूंगी, बट मुझे जो चीज एक नजर में पसंद आएगी मैं वही लूंगी। और ये साड़ी का ऐसा था ना कि मेरे और आनंद दोनों को एक नजर में पसंद आया। और इसमें एक कलर और था गाइज, येल्लो कलर भी था, बट हमने येल्लो कलर नहीं लिया इसलिए क्योंकि वो बस शादी पूजा और ये सब में पहन सकते हैं येल्लो येल्लो, और ये कलर है वाइन कलर, इसको मैं किसी भी ओकेजन पे पहन सकती हूँ, पार्टी में भी पहन सकती हूँ, पूजा में भी पहन सकती हूँ, वेडिंग पे भी पहन सकती हूँ, तो ये मल्टीपर्पज है, तो मैंने ये लिया है। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने और चेंज करके मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए थोड़ी थोड़ी सी कॉफी, अपने और आनंद के लिए, क्योंकि आज तो आनंद को कॉफी देना बनता है, शॉपिंग कराया बंदे ने आज हमें, तो चलिए पहले मैं जाती हूँ चेंज करने, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइज बाहर से आने के बाद अगर आप चाय पी लो ना तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने चाय को एंजॉय। मैंने आनंद को दे दिया है कॉफी और अभी सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, लेट्स सी क्या बनाते हैं हम। अभी फिलहाल मैं करती हूँ अपने चाय को एंजॉय।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनर में मैं बना रही हूँ डोसा। ये इंस्टेंट डोसा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पनीर स्टफिंग के लिए तैयार कर रखा है। पनीर घर में रखा हुआ था गाइज, तो मैंने सोचा चलो पनीर डोसा बना देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डोसा कितना टेस्टी, यम्मी और क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। और ये बहुत ही यम्मी बना था गाइज, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और ये इंस्टेंट मिक्स पाउडर मैं लाती हूँ, इसमें बस पानी और दही मिला के ये बैटर तैयार करना होता है। और ये बहुत ईजी है, बस आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का डोसा तवा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैं इसे कितनी ईजिली स्प्रेड कर पा रही हूँ। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस डोसा की फुल रेसिपी आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बड़ा ही ईजिली, और मेरे हाथ बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं, और ये तवा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आप देखिए गाइस, मैं इसे या तो आप एक तरफ से भी सेक सकते हैं, मैं दोनों तरफ से सेकना घी में प्रेफर करती हूँ। घी है तो घी डाल दीजिए, आप बटर है तो बटर डाल सकते हैं, या दोनों भी डाल सकते हैं, आप बटर डोसा हो जाएगा। आप स्टफिंग के लिए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पनीर रखा हुआ था तो मैंने पनीर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है ये डोसा। और यहाँ पर मैंने पनीर को हल्का सा हल्दी नमक दे करके, प्याज दे करके फ्राई कर दिया है। और आप जितना सिंपल फिलिंग बनाओगे ना उतना ही टेस्टी आएगा। फिलिंग में बहुत ज़्यादा मसाला वसाला देने की ज़रूरत नहीं है। डोसा और इडली ये सब ऐसे भी लाइट वेट होता है और हमें खाने के बाद बहुत हैवी हैवी सा फील नहीं होता। तो ये मुझे बहुत इजी और ऑप्शन लगता है, अगर मैं कहीं जल्दी में हूँ या मैं थकी हुई हूँ तो मैं जल्दी से ये फटाक से इंस्टेंट डोसा बना लेती हूँ। सो गाइज, मैं कल के व्लॉग का एंडिंग लेना भूल गई थी और ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे इवनिंग हो चुका है और मुझे याद ही नहीं था मैंने व्लॉग बना लिया बट एंडिंग नहीं लिया था। और आज दिन भर भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थोड़े कामों में बिजी हो गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ नूडल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वेजी स्टर फ्राई कर रही हूँ। नूडल्स की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आई नो ये छोटा सा व्लॉग है बट कोई नहीं, आप सभी के साथ मुझे शेयर करना अच्छा लगता है इसलिए मैंने शेयर कर दिया है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।